असलमकम एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई होप यू आर आल डूइंग वेल आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बर्थडे आई मेकअप लुक आप इसे अपनी बर्थडे पार्टी और किसी के भी ब्राइडल शावर में भी करके जा सकते हैं ये आई लुक आप बहुत ज़्यादा फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह का सिल्वर ग्रीटर आई लाइनर आप किस तरह से लगा सकते हैं इसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आगे मैंने वीडियो में शेयर की है तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे फिल करने से पहले अपनी आईब्रोज को अपवर्ड पहले स्पुली ब्रश के साथ अच्छे से कोम्ब कर लें फिर एक एंगल ब्रश पर डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड दोनों को मिक्स करके मैं अपनी आईब्रोज को फिल करना स्टार्ट करूंगी आईब्रोज को हमेशा स्टार्ट से लाइट और आईब्रो आर्ट से डार्क फिल किया जाता है फिल करने के बाद दोबारा से मैं स्पुली ब्रश के साथ आईब्रोज को अच्छे से कोम करूंगी ताकि जो मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया है वो आईब्रोज में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और बिल्कुल भी फेक आईब्रोज ना लगे अब मैं एक फ्लैट ब्रश पर कंसीलर लेके कर आईब्रोज को शेप दूंगी आई अंडर आई पर अप्लाई करने के बाद मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ग्लैमरस फेस के कम्पैक्ट पाउडर के साथ इसे मैं सेट करूंगी आपके पास कोई भी कंपैक्ट पाउडर है उसके साथ आप अपनी आई और अंडर आई को अच्छे से सेट करें ताकि कंसीलर या फाउंडेशन क्रीस ना करें इसके बाद मैं एक फ्लफी ब्रश पर मस्टर्ड शेड लूंगी एज अ ट्रांजिशन कलर और इसे अपनी पूरी क्रीस में अप्लाई कर दूंगी अब मैं एक दूसरे फ्लफ़ी ब्रश पर यह पिंक शेड लेके इसे अपनी पूरी आईलिट में अप्लाई करूँगी और अच्छे से इसकी मैं ब्लैंडिंग करूँगी ताकि कोई भी हार्ड एजिज़ ना रहें बारह से साफ फ्लफी ब्रश लेके कर क्रीस में मैं पिंक शेड की अच्छे से ब्लैंडिंग करूँगी ताकि बिल्कुल स्मूथ आई लुक लगे अब मैं एक एंगल ब्रश पर वही पिंक शेड लेके लोअर लैश लाइन के साथ इसे अप्लाई कर दूंगी जो पिंक शेड के एजिज़ बन गए थे उससे मैं फ्लफ़ी ब्रश के साथ दोबारा से उसे ब्लेंड करूंगी पेंसिल ब्रश पर हाईलाइटर लेके ब्रो बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी हाईलाइटर को भी अच्छे से ब्लेंड करना है जो कि इसमें लग जाएगा उसे मैं दोबारा से फ्लफी ब्रश के साथ डस्ट ऑफ कर दूँगी अब आप यह ग्लिटर आईलाइनर किस तरह से लगा सकते हैं सबसे पहले आपका आईलाइनर ब्रश बिल्कुल साफ़ हो कोई भी ब्लैक शेड इस पर ना लगा हो आईलाइनर ब्रश पर यह लिक्विड शेड लें और इसे आईलाइनर की तरह अप्लाई कर लें ये लिक्विड शेड इजीली मार्केट से आपको मिल जाएगा फिर इसके बाद मैंने सिल्वर प्रेस्ड ग्लीटर इसके ऊपर अप्लाई कर दिए उसके बाद वाइट आई पेंसिल अप्लाई की आई लैश कलर से आई लैशज़ को कर्ल किया अपर और लोअर लैश लाइन पर मस्कारा अप्लाई करूंगी इस आई लुक के साथ आप आई लैशेज़ भी अप्लाई कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते तो मस्कारे के ही दो कोट कर लें उससे ही बड़ा अच्छा सा आई लैश में वॉल्यूम आ जाता है मैंने यहाँ पर आपको आई लैशेज़ भी अप्लाई करके दिखा दी हैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़